अरे अंधेरा इतना क्यों है रे भाई, इतना अंधेरा क्यों है? ओ माय गॉड, ये चेक करो, ट्री ट्री है यहाँ पे, और नीचे ग्रीनरी है यार, नीचे फूल वूल नजर आ रहे हैं मुझे, फ्लावर्स नजर आ रही हैं। तो मैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तो आज हम खेलेंगे मार्स मिशन का पार्ट 2। तो लास्ट पार्ट में क्या हुआ था कि हमने मार्स में ना सरवाइव करने की कोशिश की थी, और वहां पे हमें वाटर मिल गया था, और हमें वहीं पे डर्ट भी मिला था। तो वाटर और डर्ट को मिला के हमें चेस के अंदर जो हमारे पास ऑक सैपलिंग वगैरह पड़ी थी ना, तो उनको हमने मार्स में उगाने की कोशिश की थी। तो कुछ चीज़ें उग गई थी और कुछ चीज़ों में हम नाकाम हो गए थे। लेकिन आज के पार्ट में ना हमें आगे अपने घर से दूर भी जाना है, और देखना है कि हमारे अलावा यानी कि मेरे अलावा भी कोई ज़िंदगी मार्स में मौजूद है कि नहीं, और हमें क्या कुछ मिलता है वो भी आज के पार्ट में देखेंगे। तो उससे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत चेंजिंग किया है, तो वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने क्या चेंजिंग किया है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये देखो, तो हमने काफ़ी दूर दूर ट्रीज़ वगैरह उगा दिए, मैंने थोड़ा बहुत फार्म बना लिया, बाग वगैरह बना लिए हैं, और इसको तो हटाओ, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ पूरी तरह, ठीक है। तो ये बाग देखो यार, कितना मज़े का बना दिया मैंने। क्या किया कि जो हमारा पास रेड बेरी हैं और गाजर वगैरह हैं, सारों को एक जगह पे उगा दिया, और जहाँ भी उगाना पड़ेगा, लेकिन मुझे वो ओक सैपलिंग नहीं मिली, मुझे सैपलिंग नहीं मिली, ये जंगल लोग सैपलिंग है लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ख़त्म कर दो, और जहाँ पे भी मुझे उगाना पड़ेगा, लेकिन नहीं है मेरे पास। मुझे लगा था ये काफ़ी मिलेंगी, लेकिन मेरे ख्याल में मैं सो गया था, तो उस वजह से एक मिल गई जंगल सैम्पलिंग मिल गई है मुझे। तो इसको एक यहाँ पे उगा दो, ये वापस से बड़ा हो जाएगा, और वापस से हम इसको काट के लकड़ी ले सकेंगे। और चेक करो यार, मैंने साइडों में उगा दी हैं, और ये सारी की सारी उग तो गई हैं, लेकिन इनका कलर चेंज हो रहा है। और ये भी नहीं उगा क्योंकि ये थोड़ा सा करीब है, मेरे ख्याल में दूसरे ट्री के करीब है, तभी नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा करीब उगाते हैं, मतलब इस साइड उगाते हैं, ताकि क्या पता ये हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं उगाता हूँ, एक मिनट, इसको तो बंद करना पड़ेगा, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, और यहाँ पे बीच पे इसको उगा देते हैं, ताकि ये जल्दी से बड़ा हो जाए और इससे भी हम फ़ायदा उठा सकें। और ये देखो क्या ट्रीज़ हुई हैं, और ये बेचारा छोटा सा हुआ है, और यहाँ पे देखो, और हमारा बाग देखो यार, वाओ ये काफ़ी बड़ा हो रहा है, और हमने जो बम्बू उगाए थे वो भी बड़े हो रहे हैं। तो एक काम करो, थोड़े से और ट्रीज़ वगैरह लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी लगा लो। अब मैं एक काम करता हूँ कि मेरे माइंड में एक प्लान आया हुआ है, वो ये है कि अगर मैं नॉर्मल डर्ट लगाऊँ, उसमें हम जंगल सैपलिंग लगाएं, तो क्या वो उग सकती हैं कि नहीं, तो वो भी मैं ट्राई करता हूँ। तो एक काम करते हैं, एक तो लगाओ यहाँ पे, इसी तरह मैं ऊपर भी थोड़े से लगा देता हूँ। उन पे मैं क्या करूँगा, जंगल सैपलिंग लगाऊंगा, यानी कि ट्री उगाऊंगा। अगर वो उग जाते हैं तो हम मार्स में अपने एरिया को ना जंगल बना सकते हैं आराम से। तो एक तो लगाओ यहाँ पे, एक लगाओ यहाँ पे, एक लगाओ यहाँ पे, और एक लगाओ यहाँ पे। इससे क्या होगा कि ये जब बड़े हो रहे हैं ना, अगर ये बड़े हो गए, तो हम नॉर्मल डर्ट को हम यूज़ करके हम साइडों में जंगल बना सकते हैं, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इनको वापस रख देते हैं, और ये मेरा, ओ माय गॉड, मैप देखो, मैप ग्रीन हो गया मैप। अब लग रहा है कि जैसे एक प्लेनेट है जिसमें कुछ जगह पे है जहाँ पे लोग रहते हैं, यानी कि इस जगह पे लोग रहते हैं अब। एक दूसरी बात है, हमारे पास चिकन एग्स भी पड़े हैं, लेकिन अगर मैं इनके चिकन निकाल लेता हूँ तो मुझे लगता है वो मुर्गियाँ मर जाएंगी। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास अभी तक वीट सीड भी नहीं है, और वो उगाने के लिए भी वीट सीड चाहिए ना अपने को, वो तो है ही नहीं अपने पास, तो इसको रख देते हैं वापस। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, एक तो ये रात होने वाली है तो सुबह का वेट भी करना है, और दूसरा मुझे एक काम करना पड़ेगा, वो ये है कि हम जाएंगे आयरन और कोल की तलाश में, थोड़ा सा दूर जाएंगे आयरन और कोल की तलाश में, ठीक है। तो आयरन तो हर जगह मिल जाता है, कोल हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें सुबह का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही सुबह होगी तो हम वापस जाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ आयरन और कोल की तलाश में, और मुझे बहुत सारा आयरन चाहिए और बहुत सारा कोल चाहिए। कोल मिलेगा तो हम क्या करेंगे, टॉर्चेस बना सकते हैं, और भी हम चीज़ें वगैरह पका के खा सकते हैं। और दूसरा, आयरन तो काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, हर जगह तुम्हें आयरन नज़र आएगा, तो मार्स प्लेनेट में आयरन बहुत ज़्यादा पड़ा है ना जी बात। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आयरन इकट्ठा करते हैं, और फिर मैं तलाश ये भी करता हूँ कि मुझे ढेर सारा कोल मिल जाए,
तो कोल भी इन्हीं पत्थरों के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा, तो वो भी तलाश करते हैं। और यहाँ से मैं कुछ आयरन उठा लेता हूँ सबसे पहले। तो बहुत ज़्यादा आयरन तो हो गया, लेकिन कोल मुझे अभी तक नहीं मिल रहा। तो कोल मिल जाए तो फिर लाइफ इजी हो जाएगी। एक भी कोल काफ़ी। ओ हो 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 हो, नाम लिया और हाजिर हो गया। ठीक है, एक मिल गया ना। एक भी अगर मिल जाए ना तो हमारा काम हो सकता है, क्योंकि हमारे पास प्लैंक्स बहुत ज़्यादा पड़े हैं। हम क्या करें कि उन प्लैंक्स को ना कोल में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, चार कोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक भी मिल गया तो काफ़ी है, लेकिन देखता हूँ और कोल मुझे मिल जाता है तो वो भी मैं ले लेता हूँ। तो दूसरा कोल कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। तो कहाँ है यार? कोल मिलना थोड़ा प्रॉब्लम है। ओ हो, एक काम करो, कोल का बार बार नाम लेते हैं तो बार बार आ जाएगा, टेंशन ना लो। तो अभी फिर से मुझे कोल चाहिए, तो ये तो आ गया। यहाँ से फिर से ये कोल तो हो गया। ओ कोल यहाँ पे नहीं है, आयरन ही है यहाँ पे। ठीक है, इतना हमारा कोल काफ़ी है। थोड़े से और अगर मुझे मिलते हैं तो वो भी ले लेता हूँ और फिर हम घर जाएंगे। तो सबसे पहले बनाना होगा हमें फर्नास। तो ये बना दिया मैंने फर्नास। अब हमें क्या करना होगा? हमारे पास कोल कितने पड़े? चार। तो इनको ना ज़्यादा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें जंगल लोग चाहिए। तो ये मिल गया, अब इनको मैं चार कोल में कन्वर्ट करता हूँ। तो हमारे पास चार कोयले पड़े हैं, तो उनको मैं चार कोल में कन्वर्ट करूंगा, तो बहुत सारे हमें कोयला मिल जाएगा और हम उनसे डिफरेंट टॉर्चेस भी बना सकते हैं। और हमारे ये ट्री भी नहीं उग रहे यार, क्या करूं इनका मैं? तो एक काम करता हूं, इनके साइडों में पानी डाल देता हूं, क्या पता ये फिर से उग जाएं। तो साइडों में थोड़ा सा जगह बनाते हैं और फिर उसमें पानी डाल देते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने नीचे काम किया है उसी तरह हम करते हैं यहाँ पर भी। अभी ना हमारे चार कोल भी रेडी हो गए होंगे। ठीक है, तो इनको रख लो। और चार कोल हमारे पास 13 मिल गए, ठीक है काफ़ी हैं। और इसको भी बनने दो, अभी हम टॉर्चेस बना लेते हैं। तो टॉर्चेस के लिए हमें स्टिक चाहिए, और स्टिक और टॉर्चेस मतलब चार कोल को मिलाएंगे तो हमें टॉर्चेस मिल जाएंगे। तो ये टॉर्चेस हमें काफ़ी मिल गए हैं, तो ठीक है और भी बना लेते हैं। तो और भी ज़्यादा टॉर्चेस मिल गए हैं, ठीक है काफ़ी है। तो रात भी हो रही है, तो एक काम करते हैं कि साइडों में थोड़े टॉर्चेस लगा देते हैं ताकि हमारा घर थोड़ा खूबसूरत लगे। ठीक है, तो खूबसूरत लगाने के लिए हमें टॉर्चेस लगाने पड़ेंगे। और अब देखो यार, रोशनी होने लगी है तो कितना प्यारा लग रहा है। तो ठीक है, लाइट आ गई है, हमारे मार्स में लाइट आ गई है। कोई भी सोच नहीं सकता कि मार्स में हम चीज़ें उगा रहे हैं, मार्स में हम चीज़ें पालेंगे, मज़ा आ जाएगा यार। और पता नहीं आगे मार्स में हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, पता नहीं क्या मिलेगा। अभी थोड़ी देर में मैं बहुत दूर जाने वाला हूँ। ओ हो, ये क्या था? बादल? मार्स में बादल भी गरजते हैं क्या? पता नहीं यार, वैसे भी ये रियल तो है नहीं, ये माइनक्राफ्ट का मार्स है, तो पता नहीं यार, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे टॉर्चेस लगा लो। यार मैंने एक चीज़ नोटिस की है, वो ये है कि मार्स में इतनी ज़्यादा अंधेरा होता है यार, देखो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा मुझे। इतना ज़्यादा अंधेरा तो रियल माइनक्राफ्ट में नहीं होता, मार्स में इतना ज़्यादा अंधेरा। सोचो अगर टॉर्चेस नहीं होते ना तो हमारा कैसे क्या होना था यार, सोचो। इतना ज़्यादा अंधेरा, ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना स्टार नज़र आ रहे हैं, ना कुछ चाँद नज़र आ रहा है, ना मून वून कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हमने टॉर्चेस भी लगाए तो तब भी हमारा घर थोड़ा अच्छा लग रहा है, और दूर से ये घर नज़र भी आएगा तो हम बचे रहेंगे। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वो देखो ऊपर वाले हमारे ट्री लग गए हैं। वो ग्रो भी हो गए, वाओ। इसका मतलब पता है तुम्हें? इसका मतलब ये है कि हम ऊपर जंगल बना सकते हैं, जंगल पूरा बना सकते हैं यार। हमारे पास वैसे भी ये जंगल लोग ही है, तो दूसरा ट्री होता तो वो भी उगा लेते, तो हम जंगल आराम से बना ही सकते हैं साइडों में हम ट्री लगा के। तो प्लैंक्स भी मुझे चाहिए, और फिर ये यहाँ से मुझे ना और भी जंगल लोग चाहिए, तो वो भी तो लेने के लिए मुझे इन सब को काटना पड़ेगा। और सैपलिंग भी मुझे चाहिए, तो वो भी मिलना चाहिए, अभी तक मुझे मिला नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो हमारा आयरन भी रेडी हो गया फाइनली, 17 आयरन हो गई है तो हमारा हथियार तो बन ही जाएगा। तो हमें आयरन का तलवार मिल गई, आयरन की पिकेक्स मिल गई और आयरन की एक्स मिल गई, वाओ। तो आयरन की काफ़ी चीज़ें मिल गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन है तो हम कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो शेयर्स भी मिल गया हमें आयरन की, ठीक है। लो जी हम एडवांस मोड पे भी आ गए, अब हम जा रहे हैं मार्स में तलाश करने कि हमारे अलावा और कुछ है कि नहीं है, ठीक है। हमारे पास जितना कुछ सामान था सब कुछ हमने यूज़ कर लिया है, अब मैं थोड़ा दूर जाने का सोच रहा हूँ, क्या पता हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम और ज़्यादा चीज़ें हम कर सकें, ठीक है। तो अभी तो मैं मैप लेके जा रहा हूँ साथ में, और मैप में ग्रीनरी नज़र आ रही है, इसका मतलब हमारे बाकी ट्री भी उग गई हैं और मैप अच्छा लग रहा है ना। और मैप इसलिए लेके जा रहा हूँ कि अगर मैं गुम हो जाऊँ तो भी हम मैप के थ्रू पहुँच सकें, और साथ में मैं टॉर्चेस भी लेके आया हूँ। टॉर्चेस लाने का मकसद ये था कि हमें रास्ता पता हो और जहाँ से हम गुजर रहे हैं ना वहाँ दूर दूर तक टॉर्चेस लगा दें ताकि हम अपने घर में वापस पहुंच पाएँ। मार्स इतना अजीब है ना, अगर एक दफ़ा हम खो गए तो वापस पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए टॉर्चेस का फ़ायदा बड़ा है यार। फाइनली मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चेस लेकर आया था, अगर मैं थोड़े टॉर्चेस कम लाता तो मैं प्रॉब्लम में फंस जाता। और अभी तक कुछ नज़र नहीं आया मुझे, और अजीब अजीब से पहाड़ नज़र आ रहे हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें, ओ हो हो हो, यहाँ पर अजीब अजीब डर्ट भी है, तो ये डर्ट ले सकते हैं हम। ओके ये अजीब सा डर्ट है, डेकोरेशन के लिए होता है ये वैसे, लेकिन यह मार्स में पता नहीं क्या कर रहा है। अभी बहुत ज़्यादा सफ़र करना है, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया, कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया, बस ये ब्लॉक्स चेंज हो रहे हैं और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है पूरे मार्स में हम अकेले हैं, ऐसे सर्वाइव कैसे करेंगे। अभी जंगल उगाना था, हमने जंगल उगा दिया, फिर उसके बाद हमें पौधे उगाने थे, पौधे उगा दिए, खाने की चीज़ें हमने बना ली, स्विमिंग पूल जैसा कुछ बना लिया हमने, पानी वानी लेकर आ गए, डर्ट लेकर आ गए, अब बाकी हम क्या कर सकते हैं। अरे ये क्या है, ये आयरन के ब्लॉक्स लग रहे हैं मुझे लग रहा है। एक काम करते हैं यहाँ पे टॉर्चेस लगा लेते हैं और फिर देखते हैं कि हम इसके साथ क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये टॉर्चेस क्या करेंगी कि हमें याद होगा कि हम कहाँ से आए, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, आयरन के ब्लॉक्स तो नहीं लग रहे मुझे, ये वाइट ये क्या है, वाइट कॉन्क्रीट से बने हैं क्या। अब ना मैं अंदर जाने का सोच रहा हूँ, अंदर जाके देखना है कि आखिर है क्या इसके अंदर, अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। मुझे पानी नज़र आ गया, पानी की आवाज़ आ रही थी लेकिन पानी नज़र आ गया, और अंदर एक चेस भी पड़ा है, अंदर एक चेस भी पड़ा है। इसका मतलब पता है, इसका मतलब है हम नेक्स्ट एडवांस मोड पे जा सकते हैं। और ये क्या करता मैं इनका, वैसे ये क्या काम है, ये टॉर्चेस का काम कर रही थी, मैंने बेवकूफ़ ने हटा दिया इसको। और यहाँ पे ओ हो ये भी ले लेते हैं हम, ये हमारे टॉर्चेस बनाने के काम आएगी, ठीक है। एक काम करते हैं चेस्ट को ओपन करके देखते हैं कि इस चेस्ट में क्या है, मुझसे और वेट नहीं होता। ओ माय गॉड यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एग्स हैं, और वाओ सीड्स वगैरह भी मिल गया हमें। अच्छा ये ग्रास काम की थी हमारी, ये ग्रास ब्लॉकिंग ये हमारे बहुत काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा इस, यानी कि हम ग्रीनरी कर सकते हैं मार्स में बहुत ज़्यादा। ओके अभी ना मुझे क्या करना है, मुझे और भी देखने चीज़ें, इनको हम बाद में उठा लेते हैं। और एक काम करो इसके नीचे क्या है ये तो पता करो, ये पानी जा कहाँ रहा है, ये चला गया पता नहीं क्या चक्कर। ओ अरे नहीं यार गिनना नहीं था, पता नहीं नीचे क्या है। एक तो ये नीचे मुझे गोल्ड नज़र आ गया, गोल्ड नज़र आया, और भी नीचे जा रहा है यार, ये नीचे और भी जा रहा है, मुझे रिस्क नहीं देना। मुझे क्या करना है कि अपने सामान को सेफ रखने के लिए ना, मैं एक काम करता हूँ, इस चेस पे अपने सारे सामान को रखता हूँ, जो चीज़ें मेरे काम की चीज़ें हैं ना वही मैं सिर्फ लेके जाता हूँ, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, पता नहीं नीचे क्या होने वाला है, नीचे क्या होने वाला है, मरना नहीं प्लीज़ मरना नहीं। ओए गोल्ड हम ले सकते हैं क्या यहाँ से, ये यहाँ से इसको टूटने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा यार। मैं जा रहा हूँ नीचे, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा यार, कहाँ हूँ मैं। यहाँ पे भी आयरन ही पड़ा है और बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, डर्ट उसके क्या कहते हैं कबल स्टोन के, बहुत ज़्यादा स्टोन के बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हैं,
और क्या कुछ मिलता है हमें, यहाँ पे भी कोल मिलता है, और क्या है यहाँ पे, ओए लेपिस और मुझे गोल्ड दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल गई हैं, लेपिस और गोल्ड और आयरन, ओ क्या कहते हैं कोल, ये कोल से हम टॉर्चेस बना सकते हैं, इनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये टूटना चाहिए, नहीं ले सकता यार, मेरे पास आयरन वाली पिकेक्स नहीं पड़ी ना, आयरन वाली पिकेक्स होती तो फिर मैं ये गोल्ड को भी ले सकता था, नहीं ले सकता यार, कुछ भी करो नहीं ले सकता, लेकिन लेपिस को तो ले सकते हैं ना, हाँ लेपिस को ले सकते हैं, ठीक है ये हमारे काम आएगा। हमारे पास टॉर्चेस भी कम है, हमें दूर दूर तक लेके जाना है और देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, ठीक है। इस अंधेरे में क्या है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है ना, ओह यहाँ पे ना ग्रास ब्लॉक्स पड़े हैं, तो मतलब यहाँ ग्रीनरी है, यहाँ से एक जगह मैंने बना ली है, इससे क्या होगा कि अगर कुछ भी किसी भी चीज़ ने अटैक कर लिया तो हम भाग सकते हैं तेज़ी से, मैं मरना नहीं चाहता अभी, तो और भी ज़्यादा नीचे चलना होगा, हमारे पास टॉर्चेस भी कम हैं, मुझे टॉर्चेस लाने चाहिए थे यार। यहाँ पे भी डायमंड्स के ब्लॉक्स हैं, और ये इतना ज़्यादा आइस वाले ब्लॉक्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इतने ज़्यादा आइस वाले ब्लॉक्स का क्या करेंगे पता नहीं, ओहो डायमंड्स बहुत हैं यहाँ पे, डायमंड्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, मुझे टॉर्चेस ना वापस इकट्ठा भी करनी होंगी, वजह ये है कि टॉर्चेस कम हैं और मैं नहीं चाहता टॉर्चेस ख़त्म हो जाएं, तो मैं जो पीछे वाले टॉर्चेस हैं ये वापस लेता जाता हूं और आगे चलता जाता हूं, ठीक है। तो ओए ये पानी पानी हो गया, क्योंकि मैंने बर्फ़ के ऊपर, यार बर्फ़ के ऊपर टॉर्चेस लगा दी थी तो पानी पानी हो गया, पूरा ब्लॉक ही बंद हो गया यहाँ से, ओह गॉड क्या चल रहा है, एक तो ये पिघलता जा रहा है, बर्फ़ पिघलता जा रहा है, ये भी गया, टॉर्चेस गए, हमें टॉर्चेस वापस से लगाने पड़ेंगे। अरे अंधेरा इतना क्यों है रे भाई, इतना अंधेरा क्यों है, ओ माय गॉड ये चेक करो, ट्री है यहाँ पे, और नीचे ग्रीनरी है यार, नीचे फूल वूल नजर आ रहे हैं मुझे, फ्लावर्स नजर आ रही हैं, और नीचे सुना पानी की भी आवाज आ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे पानी पे कोई चीज मूव कर रहा है, मुझे दिल कर रहा है कि मैं अंदर अभी नीचे जाऊं, लेकिन मैं अभी नीचे नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे वापस जाना है, टॉर्चेस भी लेके आनी है, मेरे पास टॉर्चेस भी खत्म हो गए हैं और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मुझे लगता है वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि मार्स प्लेनेट में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हमें ग्रीनरी और लाइफ नज़र आती है, अभी तक हमें लाइफ नज़र नहीं आई है, लेकिन अभी मुझे लगता है नज़र आने वाली है, वो भी मार्स के ज़मीन के नीचे हमें लाइफ नज़र आने वाली है, वाओ पता नहीं कौन सी लाइफ होगी, क्या होगा पता नहीं है यार मुझे, तो अपने गेम को यहीं एंड करते हैं यार, आई होप यार तुम्हें मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया तो यार इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल आई एम खलील को, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, तो चलो यार आज के लिए इतना ही, बाय।